गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ग्रामर के बेसिक टॉपिक कंप्लीट किए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक क्या है? ए और एन का यूज़ हम किन चीज़ों के साथ करते हैं और कैसे करते हैं, सेंटेंस में उसका यूज़ कैसे होता है, और वर्ड्स के साथ किन वर्ड्स के साथ ए का यूज़ होता है और किन वर्ड्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और एन दोनों के लिए एक कॉमन रूल है, वो है कि ए और एन दोनों वर्ड्स हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं? किसी सिंगुलर के साथ। अगर जैसे सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया है कि नंबर में अगर कोई वन है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, है ना। अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी थिंग को काउंट करते हैं और अगर वो नंबर में वन होता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर मोर देन वन होता है ना, वन से ज़्यादा होता है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे पेन है तो एक पेन होगा, और पी ई एन एस उसके आगे हमने एस ऐड कर दिया, यानी कि वो प्लूरल बन गया, एक से ज़्यादा है वो, ठीक है। तो जो नंबर में वन होता है, जो सिंगुलर होता है, उसके साथ हम ए और एन दोनों का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक का कोई क्वेश्चन आता है और आपको रीड करने के बाद इसको ऐसा लगता है कि उस सेंटेंस में वन से ज़्यादा नंबर है ना, ब्लैंक के बाद हमको, ब्लैंक के बाद अगर कोई वर्ड है ना, नाउन है, और अगर वो वन से ज़्यादा है तो हम उधर ना तो ए फिल करेंगे और ना एन फिल करेंगे, है ना। ना हम उसमें ए फिल कर सकते हैं ना एन फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और एन हमेशा वन सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अब ए और एन का यूज़ अलग अलग कहाँ पर होता है, अब हमको ये देखना है। ए और एन, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराया था वोवल्स वाला, है ना। आपको याद होगा कि हमने वोवल्स पढ़े थे, वोवल्स कितने होते हैं मैंने आपको सिखाया था, जितनी आपकी फिंगर्स होती है, है ना, उतने हमारे वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं लर्न करवाया था मैंने आपको, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे कॉन्सनेंट्स होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको ध्यान होगा। अब ए एन के साथ इसका यूज़ हमको वोवेल कहाँ यूज़ में आएंगे हमारे ए एन यूज़ करते वक्त, तो ये मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वोवल देख लो आप, एन का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? वोवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू। दैट मीन्स कि ब्लैंक के बाद अगर कहीं पर ब्लैंक दे रखा है आपको और उसके जस्ट बाद स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग इन 5 वोवल्स साउंड से स्टार्ट हो रही है तो हमको एन का यूज़ करना है। कैसे? जैसे एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, अम्ब्रेला, आइसक्रीम, देखा। अब देखो ये जो फर्स्ट वर्ड है वोवल साउंड से ये हमारी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ना। वोवल्स हमने कौन से पढ़े हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। और यहाँ जो स्पेलिंग से स्टार्ट हो रही है ए ओ यू आई, है ना, ये वोवल्स है। तो हमेशा वोवल्स साउंड से जस्ट पहले अगर कोई चीज़ नंबर में एक है तो हमको क्या लगाना है? ए एन, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। उसी तरह से अगर यहाँ हम लिखना चाहें तो अ पेन, अ नोटबुक, अ कार, अ पेंसिल। दैट मीन्स कि इन 5 वोवल्स को छोड़ के बाकी अगर कोई भी वर्ड आता है और वो जस्ट बाद में जो स्टार्टिंग स्पेलिंग देखनी है हमको, है ना,
बीच में कहीं पर अगर वोवल आ रहा हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, आपको सिर्फ ये फर्स्ट वर्ड चेक करना है, ठीक है। तो वोवल के जस्ट पहले, वोवल के जस्ट पहले अगर वो ऑब्जेक्ट काउंटिंग में वन है ना, सिंगुलर है, तो आपको एन लगाना है। और इधर अगर वोवल को छोड़ के दूसरा कोई से भी कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाता है यहाँ पर, तो हमको ए लगाना है। पर मेनली ध्यान रखने वाली चीज़ ये हमको ध्यान में रखनी है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा वन होगा। अगर वो वन नहीं है तो ना आप उसमें ए फिल करेंगे और ना ही एन फिल करेंगे, आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन, अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं इसको वो हम पढ़ेंगे। एक बार मैं साइड में हो जाते हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और नोट करना है तो नोटबुक में नोट कर लें इसको। एज ए क्लास वर्क जो मैं आपको क्लास में यहाँ वर्क करवाऊँगी ब्लैकबोर्ड पर, वो आपको एज ए क्लास वर्क इसी तरह से जैसे मैंने ब्लैकबोर्ड रेडी किया ना, टॉपिक डालेंगे और डेट डालेंगे, क्लास वर्क डालेंगे, और आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में उतारना है। सेंटेंस कैसे बनेंगे इससे वो मैं आपको सिखाती हूँ, एक बार आप ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके एक बार सेंटेंस भी देख लेते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दिस इज अ कार। अ क्यों लगाया हमने, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये सिंगुलर है, और सेकंड थिंग कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, है ना। सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसका, दिस इज एन एप्पल। एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ देखो वोवल आ गया है ना, यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए लगाया, यहाँ पर वोवल आ रहा है ए आ रहा है इसलिए हमने एन लगाया। और देखते हैं, दिस इज, रीड करो इसको, आउल, है ना, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर हम क्या यूज करेंगे, एन। फिर और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज रोज, है ना, यहाँ क्या है, रोज है, सिंगल सिंगुलर थिंग है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, और आर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने वोवल साउंड में कहीं पर भी आर नहीं देखा है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद में रखना है कि वोवल और कॉन्सोनेंट के आधार पे हम इधर ए और एन फिल करते हैं। वोवल कहाँ लगाएंगे, ए एन हम कहाँ लगाएंगे, वोवल के साथ, और ए कहाँ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ। इसी के साथ एक टॉपिक और होता है आपका द वाला, पर हम एक बार द तब पढ़ेंगे जब आपके ए और एन वाला अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम इसकी एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से ए और एन क्लियर हो जाए माइंड में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोगों ने आपको कुछ जो आपको बताए थे कि डिजिट लिख करके, मतलब काउंटिंग लिख करके आपको टू प्लेस पे, थ्री प्लेस पे, फाइव प्लेस पे, ट्वेंटीज़ पे, हंड्रेड्स पे, आप लोगों को वो डिजिट निकाल करके, मतलब कहाँ से कहाँ तक है उनके बीच की वो डिजिट लिखनी थी, ठीक है। तो मैंने थ्री क्वेश्चन आपको दिए थे, फिर उसको मैं नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको डिजिट दे रखी है तो उससे कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं, ठीक है। आपको डिजिट दी हो तो आप उससे कितने पॉसिबल नंबर आप बना सकते हो, तो वो करना था आप लोगों को। फिर मैं एक प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया था। आते हैं हम 19 क्वेश्चन पर। एडिशन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था कि आप लोगों को बुक में करना है, तो करी होगी आप लोगों ने, और नहीं करी है तो अभी मेरे साथ बैठ करके कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ आपको एक दो बता देती हूँ, फिर बाकी सारी आपको बुक में ही करनी है। नोटबुक में चाहो तो आप दो तीन कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप बुक में करना चाहो तो, वैसे आप हमारे पास स्पेस है तो बुक में कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको जी वाला बताती हूँ। देखिए क्या है, 92 प्लस करना है इसमें 48,
इसमें ऐड करना है 17 को, ठीक है। कीजिए कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारा 2 के बाद कितना 8, 8 के बाद कितना 7, इन तीनों को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, 2 में पहले 8 को प्लस कर लो और फिर 7 को कर लो। जिसको डायरेक्ट आती है फिंगर से काउंट करके वो फिंगर से काउंट करके करें, नहीं तो फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके भी करते हैं। कैसे करते हैं, कितना लिखा है 2, तो पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर कितना है हमारा 8, तो 8 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करें हम सब लोग, काउंट कर लें, क्यों, क्योंकि एडिशन है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया 17। अब 17 को पूरा का पूरा मत लिख देना 17, ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, अगर टू डिजिट से ज़्यादा, मतलब सिंगल डिजिट से ज़्यादा टू डिजिट आ जाती है, मतलब 10 के बाद से क्या लगता है हमारा कैरी लगता है, तो इसमें जो 7 होता है उसको तो लिखते हैं वंस के प्लेस वाले को नीचे, और जो आगे के डिजिट होती है उसको बनाते हैं हम हमारा कैरी। जो कैरी किस पे लगता है, अगली डिजिट पे। अब इसमें क्या करना, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, कैसे ऐड करेंगे, 1 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 4, 1 2 3 4 प्लस 1, इतना, इन सबको ऐड करना है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 15। अब 15 पूरा लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। अगर आगे इसके आगे भी कोई डिजिट होती तो इसका जो 1 है वो किस पे लग जाता, कैरी नेक्स्ट डिजिट पे। तो एक एडिशन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जितनी भी हैं सारी आपको अपनी बुक में करनी। अब 3 डिजिट की भी एडिशन है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। क्या करना है इसको, अगले अगर इसी के आगे अगर एक डिजिट और होती तो इसकी कैरी उस पर लग जाती, उन सबको ऐड कर लेते आप, ठीक है। तो आपको जो ए से पी तक है ये आप लोगों का ही काम है, एडिशन आपको अपनी बुक में करनी है, ठीक है। और नहीं आ रही है जिन बच्चों को, तो वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे काउंट करके, ठीक है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके काउंट करके और फिर इसको ऐड करके बुक में ही फिल करना है। अब आ जाइए इसका 20 क्वेश्चन, अरेंज द कॉलम एंड ऐड। आपको क्या करना है, अरेंज करना है कॉलम में और फिर ऐड करना है। इधर देख लो, ए 20 क्वेश्चंस है ना, आपको क्या कर रखा है 379 में ऐड करना है 482 को। तो पहले क्या करो, इसको ऐसे कॉलम में अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे, ये ऊपर है तो इसको लिख लो, फिर उसके नीचे भी 3 डिजिट है तो एज इट इज़ 3 डिजिट इसके नीचे आ जाएगी, और इसको प्लस कर देना। कैसे करेंगे प्लस, 9 प्लस 2, 9 में 2 जोड़ा 9, फिंगर पे काउंट करते हैं, चलो अपन 9 है, 9 1 2 3, 1 फिंगर में 3 काउंट कर रहे हैं अपन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक हमारा यहाँ हो गया। ऐड किसको करना है, 2 को, 9 के बाद 2 और काउंट करो, 9 के बाद 10 11, तो 11 का क्या आ जाएगा हमारा 1, इसका कैरी क्या आएगा 1, कैसे लिखते हैं 11 ऐसे ना, तो इसका पीछे वाला हिस्सा तो यहाँ, आगे वाला कैरी बन गया। अब फिर क्या करना है, 1 प्लस 7 और फिर देन 8, तो 1 प्लस 7 कितना होता है 7 के बाद एक और काउंट कर लो 8, 8 प्लस 8 होता है हमारा 16, ठीक है। आप लोग रफ में एक बार काउंट करके देख लेना, 16 का 6 कैरी, फिर लगा 1, फिर देखो 1 प्लस 3, 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 4 प्लस 4 होता है हमारा 8, ठीक है। ये आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कर पाओगे, ठीक है। आप लोगों को या तो लाइन ड्रॉ के कर काउंट करना है तो ये हिस्से ये करो, ये रफ में कर सकते हो, या फिर आपको फिंगर पे काउंट, अब तो आपको आ जाना चाहिए, है ना, हम लोग फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी हम लोग हमारा स्टैंडर्ड भी थोड़ा क्लास हमारी बड़ी है, तो हम लोगों को अब थोड़ा सा हमारी जो काउंटिंग की जो है ऐड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसके मैंने कॉलम वाले एडिशन भी आपको बता दिए, इसमें से आपको 3 करने ए बी सी, ठीक है। इसका होमवर्क है आप लोगों का 20 क्वेश्चन का ए बी सी, सारे नहीं करवा रही हूँ, जो प्रैक्टिस करना चाहे वो रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोटबुक में आपको 3 ही करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ले लिया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉरी एडिशन ही लिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता दूंगी, और फिर हम लोग इसके आगे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग इसके अंदर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम वगैरह है जो हमारे पीछे आएगी। तो आप एडिशन तक कर लेना, कल सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली
स्वर, स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है विशिष्ट स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पढ़ने के लिए रेडी हो? बुक नोटबुक अपनी ओपन कर लो ताकि आपको मैं होमवर्क देने की कोई झंझट ही नहीं रहे। आप साथ साथ में लिखते रहोगे तो आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। सिर्फ यही आपके लिए होमवर्क है और यही आपकी क्लास है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार का पार्ट सेकंड। यानी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था? वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। आज हम वर्णमाला में आपने जहाँ आपका शो हो चुका था पहला, उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उस पेज को छोड़ना मत, उसी के नीचे से रेड डाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम पढ़ेंगे आप व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अब व्यंजन क्या है? जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो अम और अह के बाद कहाँ से स्टार्ट होता है? अ से स्टार्ट होता है। क से लगाकर ज्ञ तक के वर्ण होते होते उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब आप कहोगे कि इस तरीके की तो परिभाषा हो नहीं सकती, हम अगर परिभाषा आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखे? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। मैंने बताया था आपको कि जितने भी व्यंजन है क से ज्ञ तक सबके अंदर क्या मिला हुआ होता है? अ मिला हुआ होता है। अगर अ रहेंगे तो किसी न किसी दूसरे स्वर की मात्रा उसके अंदर होती है। इसीलिए व्यंजन जो है क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक में लाइन लिख लो। अब हम लिखेंगे व्यंजन। सबसे पहला क्या आता है? क। बोलते हुए लिखते रहो। क ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं।
पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, पढ़ना नहीं समझ में आए तो आप उसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।